प्रदेश प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र श्रमिक बस्ती नैनी पीएसी कॉलोनी के ब्लॉक संख्या 66 व 67 में अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों द्वारा नाली, सीवर लाइन, वाटर सप्लाई और रास्ते पर अवैध बाउंड्री वॉल बनाकर घर का निर्माण कराया जा रहा है। यही के निवासी अभिमन्यु सिंह, परदेशी साहू, ज्वालियर, देवानंद, कल्लन त्रिपाठी, विकास सिंह, गिल्लू गुप्ता ने बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण लिए हैं। इस संबंध में 14 मार्च 2024 को श्रमिक बस्ती नैनी प्रयागराज का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग की टीम एवं पुलिस उपस्थित रही। निरीक्षण के समय घर की चारदीवारी बनी पाई गई। वहां के निवासियों ने संबंधित थाना नैनी को सूचित किया। मौके पर थाने के दरोगा एवं कानूनगो और लेखपाल के द्वारा कार्य को रुकवा दिया गया था और उनसे मकान का कागज मांगा गया जो वो देने में असमर्थ थे। पुलिस व राजस्व की टीम के जाने के पश्चात निर्माण कार्य को पुनः शुरू करा दिया गया था। नाली के बाहर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर 15 फीट रास्ता है। मौजूदा समय में 6 फीट रास्ता ही छोड़ा है, बाकी पर अतिक्रमण हो चुका है। फिर दोबारा पुलिस को सूचना देने पर दोबारा कार्य को बंद करवा कर उनके दोनों पुत्रों को पुलिस थाने ले गई और उन्होंने लिखित दिया कि अपने मकान के आगे निर्माण कार्य नहीं करेंगे। मगर फिर से उन लोगों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। मना करने पर कहते हैं कि श्रम विभाग की जमीन है, श्रम विभाग के अधिकारी या कर्मचारी आकर रोकेंगे तो हम काम रोक देंगे। श्रम विभाग के अधिकारियों की मिली भगत की वजह से नहीं हट पा रहा है अतिक्रमण। रास्ते को पूरी तरह से बाधित कर नाली सीवर लाइन पर ये लोग अवैध तरीके कब्जा कर मकान निर्माण करा रहे हैं। प्रार्थी गुनों द्वारा निवेदन किया गया है कि अवैध कब्जा को हटवाने तथा उक्त लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे प्रार्थी गणों की आने जाने और घर का रास्ता मिल सके। वही पीड़ितों ने सरकार से यह मांग की है कि नाली के बाहर अवैध रूप से सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण किया जा रहा है और साथ यह भी कहा है कि इस विवाद के चलते कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। वही राजस्व व प्रशासनिक अधिकारियों के आने पर श्रम विभाग के अधिकारी ओझा ने अपने पद का उपयोग करते हुए राजस्व टीम को गुमराह करते हुए उनको वापस भेज दिया, जिससे वहां के जनता में काफी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई भी आदमी किसी के घर का सीवा पानी नहीं रोक सकता, लेकिन ये दबंग लोग सरकारी जमीनों को अपनी मिलती है समझकर कब्ज में कब्जा करना चाहते हैं। समस्या ये कि हम लोग यहाँ पे चकीमामली के निवासी हैं, 30 चकीमामली नैनी प्रयागराज के। हमारे जस्ट पीछे सर्वी बस्ती की कॉलोनी है 66 व 67। इसमें जो किराएदार आवंटित हुए हैं, रह रहे हैं, कुछ अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्होंने रास्ते और नाली सीवर वाटर सप्लाई पे अवैध रूप से बाउंड्री वॉल बना ली है। इसके लिए हम लोगों ने SDM महोदय को एक ज्ञापन भी दिया। उन्होंने ज्ञापन के तहत उन्होंने कार्रवाई के लिए ACP लेखपाल को भेजा। लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट लगा दी, उसके बाद ACP साहब को भेजा। उन्होंने टीम गठित की मांग कर ली। जब टीम गठित की मांग कर ली तो 14 तारीख को टीम आई। राजस्व विभाग के लोग भी आए और थाने से भी आए। श्रम विभाग के BN ओझा परिवर्तन अधिकारी हैं, वो आए और उन्होंने गुमराह करके टीम को वापस कर दिया। जब पूछने लगे तो उसको हमारे पेपर, हमारी ज़मीन के बारे में पूछने लगे, ना कि अपने जो अवैध निर्माण दिख रहा है उसको हटवाने की बात ही नहीं किए। कहे हम अपने अधिकारी से बात करेंगे, बस इतना कह के टीम को वापस कर दिए। और 133 का आदेश इस पे 1996 में हुआ है और उसके बाद 2008 से जो पेशी में मिनिस्टर अभिमन्यु सिंह हैं, उस समय पेशी में थे कार्यरत। उन्होंने बगल में पेशी है तो सिपाही ला के अपना बाउंड्री वॉल कर लिया। अब वो पक्का निर्माण कर रहे हैं। अब इस वक्त वो रायबरेली दरोगा TI हैं ट्रैफिक में। अब वो अपना पावर दिखा रहे हैं, अब बोलने पे उल्टा सीधा बोलना है, लड़ने तैयार हो जा रहे हैं। और सामने साफ साफ दिख रहा है कि अवैध है नाली सीवर वाटर सप्लाई, और प्लस आप देख लेंगे रास्ता भी आपको दिखेगा कि रास्ते पर अवैध निर्माण। अंधा भी आएगा उसको भी दिखेगा कि गलत है। अधिकारी आ रहे हैं, जांच के नाम पे चले जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वैसे ही उम्मीद रखते हैं कि अधिकारी अच्छे से जांच करके इसका निवारण कर दें, निस्तारण कर दें, जो भी करना हो कर दें, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत गंदा बना हुआ है। कभी कोई घटना घट जाएगी तो इसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगी। हम यही चाहते हैं जो है 15 फीट रोड हमारी है वो हमें मिल जाए, नाली सीवर वाटर सप्लाई को बाउंड्री से मुक्त किया जाए। सरकार से यही मांग है जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाए जाए। भाई नाली और सीवर सभी के लिए होता है, एक आदमी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है। गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है तो सभी व्यक्ति के लिए किया है, और रास्ते का जो अतिक्रमण है उसको हटवाने का कष्ट करें। यही विनती करेंगे सरकार से और यही मांग करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनीस खान, 30 चकीमामली का निवासी हूँ। और इसके लिए आप देख ही रहे पीछे जो कब्जा है, इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।